हेलो दोस्तों, बहुत दिन के बाद और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे काम का प्रेशर के वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाता हूँ। देखिए, मैं अभी 15 फीट का मशीन आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से बन रहा है। कैसे देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह। अभी ये काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अंदर का और भी पार्ट्स लगेंगे अंदर में। देखिए सिंपल अभी दिखा रहे हैं आपको कैसा कैसा डिज़ाइन है, कैसा काम हो रहा है। इसमें मॉस्फेट लगभग 12 × 2 = 24 लगभग 35-36 पीस के आसपास यूज होता है 15 फीट का मशीन में। और कई सारे मशीन है, यहाँ देखिए ये मॉड्यूल भी बन रहा है, ये देखिए ये भी वही है। इधर भी देखिए ये छोटा मशीन रेडी है 10 फीट के लिए, 6 फीट के लिए देखिए, ये देखिए। तो और अभी 5-6 मशीन बन रहा है 15 फीट के लिए। यहाँ देखिए एक रेडी पड़ा हुआ है, ये कंप्लीट है, अभी पैकिंग होगा ये। और मैं इसका भी लोड टेस्टिंग भी दिखा दूंगा आपको। ये 15 फीट मैक्सिमम रेंज है, लेकिन 12 फीट तक एकदम बढ़िया से काम करेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 12 फीट तक एकदम बढ़िया काम करेगा, एकदम श्योर है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो जो हमसे ले रहे हैं वो एक कस्टमर हमको बोल रहे हैं कि 12 फीट तक एकदम बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, श्योर है 12 फीट तक ये आराम से काम करता है। मैक्सिमम 15 फीट का रेंज है, 12 फीट काम करेगा। अभी मैं आपको ये देखिए, ये फ्रंट लुकिंग है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने सिंपल इसमें थोड़ा सा एम्बॉयल के रूप में लिख दिया। ये देखिए, ये ब्लैक वाला जो कनेक्टर के बदले में वायर ही दे दिया, क्योंकि कनेक्टर सब जो है पार्सल में कुरियर में प्रॉब्लम कर जाता है, टूट फूट जाता है, इसलिए मैंने वायर ही निकाल दिया। अब इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वायर में, क्योंकि ये टूटता फूटता नहीं है। देखिए ये पॉजिटिव आउटपुट है ये वाला, और मैंने यहाँ सैम्बल भी दिया है जाली लगाने का, इसमें नेट लगेगा। और ये अर्थिन है ब्लैक वाला आउटपुट, तो ये आपका सीधा नीचे जाएगा पानी में। और ये जो है ये वाला, ये आपका टाइमर एडजस्टमेंट करने के लिए, ये वाला टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं इसको आप। इसको एडजस्ट करने से आपका फ्लिप फ्लॉप चेंज होगा। और ये एलईडी है टाइमर का, और ये वोल्टेज का एलईडी है, जैसे ही स्विच दीजिएगा ये रेड बत्ती जलेगा, बिना स्विच दिए ये रेड बत्ती नहीं जलेगा। और स्विच देने के बाद ये हाई वोल्टेज चार्ज बनता है तब ये जलता है, नहीं तो नहीं जलता है। और ये है हमारा वोल्टेज के लिए एडजस्टमेंट, वोल्टेज आपको कितना रखना है, ज़्यादा रखना है कम रखना है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इधर ये स्विच वाला वायर है, बहुत फ्लेक्सिबल वायर है, मैंने इसको स्पेशल मतलब चूज़ करके लगाया है, इस समय फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वायर में, तो ठंड या धूप में जल्दी ख़राब नहीं होगा, फ्लेक्सिबल वायर है। और स्विच देखिए, ये मैंने डोर बेल वाला स्विच यूज किया है जो वन साइड रहता है, ये देखिए। ये स्विच आप कोई भी स्विच यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जो ऑटोमेटिक ऑफ होता है उस तरह का स्विच मशीन में लगाइएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाय मिस्टेक कभी कभार आपके शरीर में करंट लग जाए या आपको झटका मार दे तो ऑटोमेटिक आप स्विच को छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो ये एक सेफ्टी हो जाता है इसमें, है ना, बाय चांस की बात है, ऐसे कोई भी स्विच चल जाता है। और ये तो हो गया, लुकिंग देख लीजिए आप, अभी टेप मार के थोड़ा लुकिंग के लिए मार दिया है हमने। और प्लाई का बॉडी है, बहुत मजबूत है। मैं आपने आगे साइड देख लिया, अब ये देखिए पीछे साइड है, बैक साइड। अब ये डिजाइन आएगा आपका, देखिए 2 फैन लगा हुआ है 3 इंची का, ये रेड वाला बैटरी के लिए, ये ब्लैक वाला बैटरी के लिए, 4-4 वायर निकला है,
एकदम हैवी गेज का, पतला गेज चलता भी नहीं है, हिट करेगा, गर्म होगा। और ये थोड़ा छोटा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि छोटा लगाने से बढ़िया एम्पियर फ्लो होगा और हीट भी नहीं होगा, आउटपुट बढ़िया मिलेगा। और ज़्यादा लंबा करने से हीट होगा, आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर मोटा वायर यूज होता है। ये देखिए दो फैन यूज हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखने में भी, और काम तो बढ़िया ही करेगा मेरे ख्याल से। बाकी आप यूज जो कर रहे हैं वही बता पाएंगे, और जो यूज करेंगे आप हमें ज़रूर बताएं कि कैसा रहा मशीन और कैसा रिस्पॉन्स है इसका। आप ज़रूर फीडबैक शेयर करें हमसे, तब मैं भी अगर कुछ कमी है तो मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है मशीन में तो मैं ऐसे 6 महीने तक फ्री सर्विस देता हूँ आपको, और सिर्फ आपको कुरियर चार्ज लगेंगे, आने जाने में जो खर्च होगा कुरियर का चार्ज वो लगेगा आपको, बाकी आपका सामान हम सही कर देंगे 6 महीना तक। ऐसे प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता है, बाय मिस्टेक अगर हो भी जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मैं अच्छा क्वालिटी का ही यूज करता हूँ सब सामान, तो जल्दी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है, बाय मिस्टेक हो भी सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब मैं इसमें आपको लोड टेस्टिंग भी दिखा दूँगा। देखिए इसमें रिवर्स पोलैरिटी ऐड किया हुआ है, देखिए उल्टा पुल्टा बैटरी लगाने से भी काम नहीं करेगा, देखिए उल्टा लगा दिया है बैटरी में हमने, काला में लाल को, लाल को काला में, तो ये कैसे काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही बैटरी को सही लगाएंगे मशीन जो है ऑन हो जाएगा। अब देखिए मैंने लाल को लाल और काला को काला में लगा दिया और हमारा मशीन जो है ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पर टाइमर एलईडी ब्लिंक कर रहा है, ये ऐसे ही आप जैसे सेट करके रखेंगे उस हिसाब से ये ब्लिंक करते रहेगा। और चलाने के लिए तो यहाँ पर आपको अर्थिंग में ये नाव के लिए बेस्ट है मशीन, तो अधिकतर यूज हो रहा है नाव में। ये कला वाला जो है आप नाव के नीचे लगभग 5-7-10 फीट तक आप अंदर झुला दीजिए, ये ऐसे ही कवर वाला बढ़िया केबल 1.5 mm 2 mm का वायर लेके, और वायर के लास्ट में या तो 5-6 इंच या 1 फीट तक छील दीजिए वायर को, या फिर उस वायर में कुछ ऐसा चीज़ डाल दो, जैसे 5-6 इंच का रॉड डाल सकते हैं, पतला रॉड या एलुमिनियम का वायर मोटा वाला, या कोई भी ऐसा मेटल चीज़ बांध दीजिए लास्ट में 5-6 इंची का, जो अर्थिन पकड़े बढ़िया से। अर्थ 1 फीट तक दे सकते हैं आप, लेकिन 1 फीट से ज़्यादा मत दीजिएगा, उसमें करंट लॉस होता है, कम ही दीजिएगा बढ़िया रहेगा छोटा में। और ये तो आपका लाल वाला नेट में जाएगा जो आपके हाथ में रहेगा, और ये ऊपर रहेगा 2-4 इंची पानी में ही, इसको ज़्यादा मत डुबाना है, 2-4 इंची 1 फीट तक ही डुबाइए पानी में नेट को अपना, जो ये लाल वाला कनेक्शन रहेगा, तभी आपका मछली जो है ऊपर की ओर दौड़ के निकलेगा नेट की तरफ। आपका नेट जिधर रहेगा मछली उधर ही दौड़ेगा ये मशीन में, और दौड़ के पास आएगा लाल वाला के पास और वो उलट जाएगा, और लगभग 20-30 सेकेंड 1 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाएगा, ऐसे मरा हुआ जैसे चुप हो जाएगा, आपको उस टाइम ही मछली को उठा लेना है। यही प्रोसेस है इस मशीन का। बाकी मैं आपको अभी लोड टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। मैं देखिए मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए लोड वायर है ये वाला जो एकदम वहाँ, देखिए एलोजेन ट्यूब में गया है, वहाँ पर अभी मैंने कनेक्ट किया है इसमें 5 ट्यूब ही है, अभी 4 ट्यूब कनेक्ट कर दिया, इसी से आपको पता चल जाएगा। अभी मैं स्विच देने वाला हूँ, अब वोल्टेज भी घटा दिया है, टाइमर भी पूरा लो किया है, और मैं यहाँ से अभी स्विच दे रहा हूँ, आवाज़ आएगा मशीन से आपको। देखिए मशीन प्रॉपर करने से इस तरह का आवाज़ आता है मशीन में, और देखिए यहाँ सबसे लो वोल्टेज में इतना 4 ट्यूब जल रहा है, सबसे कम वोल्ट में है ना। और मैं टाइमर को एडजस्ट करता हूँ, देखिए आवाज़ चेंज हो जाएगा, देखिए 4 ट्यूब जल रहे हैं अभी,
टाइमर को पूरा फुल कर दिया तो ऐसे आवाज आएगा। देखिए चार ट्यूब है, अभी मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ थोड़ा। देखिए 50% बढ़ा दिया है, कितना तेज ग्लो होने लगा। चार ट्यूब है यानी कि 4000 वाट का लोड है अभी मशीन में, है ना, 4000 वाट इतना जलाता है ये। देखिए अभी मैं फुल कर देता हूँ वोल्टेज को, देखिए वाइट कर देता है 4000 को। यानी कि ये इस मशीन में आप 15-20 हज़ार लोड ये उठा लेता है, मतलब ये अल्ट्रासोनिक करंट देता है ना, तो ऐसा ही करंट देता है, तो बहुत एम्पियर में आता है। और आपको ये सब टेस्टिंग नहीं करना है, सिर्फ मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इस मशीन से कितना करंट बनता है। तो देखिए यहाँ 4000 पूरा वाइट जल रहा है। अभी हम यहाँ पर 10-20 ट्यूब इस तरह 1000 वाट के लगा सकते हैं, वो भी जला सकता है ये मशीन। तो इस तरह नहीं करना, आपको पानी में ही चलाना है। आपको मेरे को तो ये सब नॉलेज है कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, तो आप ये सब ना करें, आप सिर्फ मछली पकड़ें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं एक ट्यूब लगा दिया हूँ, एक ट्यूब देखिए कैसे जलेगा। देखिए लो वोल्टेज में जल रहा है एक ट्यूब, वो भी वाइट जल रहा है, लो कर दिया, फुल लो है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ाना, देखिए अभी मैं बढ़ा देता हूँ 50%। देखिए देखिए कितना वाइट जल रहा है, आँख से देख नहीं सकते हैं, इतना तेज लाइट दे रहा है 1000 वाट का ट्यूब, आँख से देखा नहीं जाता है। देखिए कितना तेज जल रहा है ना, आँख से देखा ही नहीं जाता है, उतना तेज जल रहा है। आवाज़ सुनिए मशीन का कैसे दे रहा है ना। तो आपको भी ऐसा मशीन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, और हम ऑर्डर में ही 50% लेते हैं। इसमें हमको हेल्प हो जाता है सामान उमान ख़रीदने में, क्योंकि सब बाहर से मंगाना पड़ता है तो सामान में थोड़ा महंगा पड़ जाता है, और इधर लोकल मार्केट में इसका सब सामान है भी नहीं है, तो कोई ये नहीं है कि हमको बाहर से ही मंगाना पड़ता है सामान। और यही कहना है मैं 50% पैसा आपको ऑर्डर में ही देना पड़ेगा, जब मशीन आपका बन जाएगा फुल रेडी हो जाएगा तब आप फुल पेमेंट दे दीजिएगा, और आपके सामान हम आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर देंगे। और कोई डाउट नहीं है कि मशीन आएगा नहीं आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप बेझिझक हमसे डील कर सकते हैं। कहीं भी अब इंडिया में कोई भी कोने में कहीं भी हो, आप मेरा जिम्मेदारी है आप तक मशीन पहुंचाने का, मतलब आपको अब तक मशीन आकर ही रहेगा, भले 2-4 दिन टाइम एक्स्ट्रा लग जाए पर सामान आपका ज़रूर पहुंचेगा। आप ऐसा नहीं सोचना है कि पैसा दे दिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, एकदम फुल गारंटी के 100% के साथ आपको सामान आपके पास आएगा, यही कहना है। और इसी के साथ आज का वीडियो तो इतना ही है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही सलामत रहिए, लाइफ को एंजॉय किए, खुश रहिए, मस्त रहिए।